हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम अ गाइज आज की इस प्यार सी लव रीडिंग के अंदर तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन से थ्री मेजर इवेंट आपकी लव लाइफ में बहुत जल्दी होने वाले हैं तीन ऐसे मेजर इवेंट्स जो बहुत ही फास्ट आपकी लाइफ में होंगे कब होंगे क्या होंगे कैसे हो सकते हैं उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर क्या पड़ेगा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ गाइडेंस आइए शुरू करते हैं इस प्यारी सी लव रीडिंग को मैंने सोचा है अब आप लोगों के लिए डेली लव रीडिंग लेकर आऊंगी रात को दस बज के दस मिनट पर दिस विल बी अ वेरी पॉजिटिव सा कंप्लीशन का टाइम जब आप अपनी लव लव रीडिंग को देखें और हैप्पी uh, फील करें खुश रहें और बहुत सारा पॉजिटिविटी को महसूस कर पाएँ तो फर्स्ट पाइल है हमारे पास यहाँ पे द ब्यूटिफुल रोज़ कोर्ट और सेकेंड पाइल है हमारे पास यहाँ द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल क्लियर कोट्स तो यहाँ पर मैंने तीन तीन कार्ड्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी अरेंज करके रखे हुए हैं आप लोगों ने क्या करना है सिंपली पिक करना है वन या टू और आप लोगों ने क्या करने की कोशिश करनी है अच्छे से पॉजिटिवली प्रेयर ताकि आप लोग अच्छे से अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकें तो चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर वन तो मैं इन्हें ना साइड में रख देती हूँ और पायल नंबर वन पीपल आप लोगों के लिए आज की रीडिंग आप लोगों ने पिक किया है द ब्यूटिफुल क्लियर पॉजिटिव रोज क्वार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड है फोर ऑफ वॉर्न नाइट ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स आई होप आप लोगों ने अच्छे से पॉजिटिवली बाय नंबर वन को पिक किया है आपे से बहुत सारे लोग एरिसजिटेरियस हैं आप से बहुत सारे लोग कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हैं ठीक है सी energies of your love life. आप लोगों की लव लाइफ़ की जो एनर्जी है वो बहुत ही कमाल है कार्ड नंबर ट्वेंटी टू और ट्वेंटी थर्टी थ्री एंड ट्वेंटी टू है यहाँ पर डो टू रोमांस एंड यंग की एनर्जीज हैं कितनी प्यारे कार्ड आए आप लोगों के लिए तो आपकी जो लव की एनर्जीज़ है ना वो कुछ इस तरीके से है कि आ, या तो आप लोग किसी ट्विन फिलिम रिलेशनशिप में हैं या फिर आप लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जिसके अंदर बैलेंस होना सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैं यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे भी देख रही हूँ जो बिल्कुल पास्ट की चीज़ों को एकदम ख़त्म करके और नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और आप में से मैं कुछ ऐसे लोगों को भी देख रही हूँ जिनका जो अपने किसी पर्टिकुलर पार्टनर का बहुत ही टाइम से इंतज़ार करे जा रहे हैं बहुत ही वेट कर रहे हैं मतलब चाहते हैं दिली ख्वाहिश है इस चीज़ की कि जैसे तैसे करके ना उनके साथ में एक हो जाए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा ये यांग एंड डो टू रोमांस मैं बहुत जल्दी आप लोगों की ज़िंदगी में भरपूर रोमांस आते हुए फील कर पा रही हूँ बहुत भरपूर रोमांस पहली पहला इवेंट लोगों की ज़िंदगी में होने वाला है आप अगर किसी पर्सन से बहुत सारा प्यार करते हैं या किसी पर्टिकुलर पर्सन आपके यू नो नज़रों में है या आप किसी की एनर्जीज को बेतहाशा मोहब्बत करते हैं गाइज़ वो पर्सन आपके सामने आने वाले हैं और वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं ठीक है थीके? ये एक एस, इस तरीके का कमिटमेंट होगा जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल फील कराएगा आपको ऐसा महसूस होगा जैसा कि ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल मतलब खत्म वाले फॉर्म में ही है कुछ भी अच्छा नहीं था मेरी जिंदगी में नाउ आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी तो किसी तरीके का प्रपोजल इज द फर्स्ट इवेंट इन योर लव लाइफ इज कमिंग फॉर श्योर और ये होने वाला है अपकमिंग टू मंथ्स जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उसके अपकमिंग टू मंथ्स के अंदर अंदर ये इवेंट आप लोगों की जिंदगी में होगा सेकेंड इवेंट इन योर लव लाइफ विल बी टू ऑफ कप्स का कार्ड यानी कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ मिलेंगे और उसके साथ घूमने जाएंगे मस्ती uh, करेंगे फन करेंगे बहुत ज़्यादा हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ पॉजिटिविटी बेसी भी हो ठीक है आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे हैं बहुत प्यार से एक दूसरे को टच कर रहे हैं कुछ खिला रहे हैं ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी चीजें भी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ तो पहली चीज़ पहला इवेंट होगा अपकमिंग टू मंथ्स में आपको किसी का कमिटमेंट या किसी तरीके का प्रपोजल सेकेंड आपका इवेंट होगा कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाएंगे विद इन दीज टू मंथ्स और तीसरा मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ फोर अ वज या तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान अपने घर वालों को आपके बारे में बता और आप दोनों ना एकदम पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ क्लिंग करते हुए हैप्पी एनर्जीज में अपने आप अपने अपने, अपने घर वालों को बता रहे हैं नाउ इट डिपेंड्स आप लोगों के घर वाले किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो ना काज हम लोग अभी निकालेंगे कि इन सब चीजों का इंपैक्ट आप लोगों की जिंदगी पे क्या रहेगा बट पहले मैं आप लोगों को बता दूं हैप्पी एनर्जीज़ हैं खूबसूरत प्यारी एनर्जीज़ हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर वन यानी रोज कोर्ट को पिक किया है कमिंग टू मंथ्स में पहला इवेंट होगा कि कोई उन्हें प्रपोज करेगा ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है या कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है दूसरा इवेंट अपकमिंग टू मंथ्स में होगा कि उस पर्सन के साथ आप घूमने जाएंगे उसके साथ एक कोजी सी डिनर डेट कर सकते हैं लंच कर सकते हैं उसके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं कुछ पॉजिटिव एडवेंचरस एनर्जी कर सकते हैं किसी बीच के किनारे फूलों के साथ तो बहुत ही प्यारा सा एकदम माहौल पर सिर्फ आप और वो होंगे और तीसरा इवेंट होगा कि आप अपने घर वालों को भी इस चीज के बारे में बताने वाले हैं इस रिश्ते को कुछ और बड़ा यू नो मोड़ देने के लिए नाउ एनर्जीज तो हमारे पास अच्छी है यहां पर आप लोग इस पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में है, ऑल दो इस पर्सन के साथ आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है बट लेट्स सी इन सब चीजों का जो इफेक्ट है वो क्या पड़ेगा आपकी जिंदगी पर पहला इवेंट जो मैंने आप लोगों को बताया था नाइट ऑफ कप्स उसके हिसाब से देखते हैं तो जैसे ही कोई पर्सन आपको प्रपोज करेगा ये कोई पास्ट का होगा चाहे प्रेजेंट का होगा आप थोड़ा सा ना कप कपा जाएंगे आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा कि इज़ इट गोइंग टू बी फाइन फॉर मी और नॉट आप थोड़ा सा ना उस वक्त इमेच्योरिटिवली ही सही लेकिन हो सकता है थोड़ा सा इग्नोरिंग एनर्जी में भी जाएँगे सोचेंगे कि यार मुझे इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए मेरे लिए ये चीज़ सही रहेगी या नहीं रहेगी थोड़ी असमंजस की स्थिति है इसका इफ़ेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ असमंजस की स्थिति और बहुत सारा संतोष होने वाला है नाउ सेकेंड इवेंट जो होगा उसका जो असर है वो आपके जहन पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बहुत ज़्यादा यू नो सेल्फ सेंटर्ड और बहुत ही ज़्यादा शांत महसूस करेंगे ठीक है तीसरा जैसे ही आप अपने घर वालों को बताते हैं इस चीज़ के बारे में इस कनेक्शन के बारे में मुझे यहाँ पे कुछ लोग हैं ना ऐसे भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं जैसे कि कोई पर्टिकुलर uh, किसी शादी वेबसाइट से नाइट ऑफ पांटिकल एक कार्ड और निकालूंगी क्वीन ऑफ सोर्ड्स या तो उनकी मदर या फिर आपकी मदर की तरफ से किसी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है ये कोई वुमेन की एनर्जी है ऑब्वियसली बात है या तो कोई मदर या कोई बड़ी बहन या कोई ऐसी पर्सन जो कि माँ की भूमिकाएँ अदा कर अदा करेंगी आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर की लाइफ में उसकी वजह से कोई ना कोई इशू क्रिएट हो सकता है जिस चीज़ को लेकर के आप थोड़ा सा ऐसे महसूस कर सकते हैं कि अरे यार अब अब क्या अब क्या नेक्स्ट ठीक है नाउ एक पावरफुल पॉजिटिव अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस रिलेशनशिप का आगे क्या होने को है लेट्स सी सो वी हैव अ कार्ड ऑफ सन वी हैव अ कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स का हमारे पास सेवन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ डेक है एम्प्रेस इस इंसान के साथ पाइल नंबर वन पीपल आप लोगों की शादी और uh, आप लोगों की ना पॉजिटिव एक लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट होते हुए आई एम फीलिंग विद द सेवन ऑफ कप्स किंग ऑफ कप्स एंड सन आई मस्ट से बहुत कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में क्रिएट होने को है पायल नंबर वन पीपल ये पर्सन आपका सोलमेट है इसके साथ आपकी जो एनर्जीज़ है वो बहुत हाई लेवल की जाएंगी मतलब आप इस इंसान के साथ शादी बच्चे और पॉजिटिव uh, फैमिली को निभा पाएंगे हाँ स्टार्टिंग में जैसे आप पेरेंट्स को बताएंगे प्रॉब्लम आएगी बट धीरे 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 वो लोग जो है सेटिक हो जाएंगे सेट हो जाएंगे ठीक है

बस एक पॉजिटिव सी डायरेक्शन को पिक करें नए सिरे से नई लाइफ को जो है आगाज़ करने की कोशिश करें सब बहुत बेहतरीन अंदाज से होता चला जाएगा तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर वन को पिक किया था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी अपकमिंग टू मंथ्स में आप लोगों की जिंदगी में ये तीनों इवेंट होने वाले हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सो so इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी मिलेंगे कल ठीक दस बज के मिनट पर और तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार शबक है नाइट हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर पीपल कैसे हैं आप सब लोग आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला खुशामदी ढेर सारा वाला प्यार और वेलकम तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर टू को पिक किया है दैट मींस आप लोगों ने पिक किया है क्लियर कोट को तो ये है आप लोगों की रीडिंग आइए शुरू करते हैं और देखते हैं थ्री स्पाइसी मेजर इवेंट्स इन योर लाइफ जो होने वाले हैं बहुत जल्दी आप लोगों की जिंदगी में लेट्स सी ये तीन इवेंट्स कौन से होंगे पहला कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ सो दूसरा है एस ऑफ कप्स और तीसरा है वाओ सिक्स ऑफ कप्स आप लोगों ने पिक किया है क्लियर कोट्स को आई एम सीइंग कि पायल नंबर टू पीपल आप लोग इस किस्म के इंसान हैं जो कि चुप रहना पसंद नहीं करते हैं बहुत ही ज़्यादा बग भग बग भग करते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव किस्म के इंसान हैं पाइल नंबर टू पीपल आप लोगों का जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर है आप किसी से भी बात करने में प्यार करने में कभी भी हिचकिचाते नहीं है आप लोगों का जो एक पर्सोना है ना आप लोगों की जो एक पर्सनैलिटी है वो ऐसी है कि हर किसी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते है मैं यहाँ पर ऐसा फीलिंग आ रही है मुझे कि या तो आप लोग टोटली सिंगल हैं या फिर आप किसी नेगेटिव रिलेशनशिप से भी ताजा ताजा निकले हैं या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप का एंड करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं आई एम नंबर पीपल आप लोगों की एज काफी कम है या फिर हो सकता है कि आपकी एज काफी ज्यादा है बट हां बहुत सारे एक्सपीरियंसिस की कमी है ज्यादातर लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है जिन्होंने पायल नंबर टू को पिक किया है कि आप लोगों की जो एज है वो काफी कम है यू आर इन अ वेरी पॉजिटिव सी जो एज होती है ना एकदम न्यू न्यू फ्रेश फ्रेश जो यंग वाली एनर्जी होती है जैसे कि अठारह उन्नीस सत्रह बीस इक्कीस हार्डली ट्वेंटी फील कर रही हूं दूसरी चीज मैं यहां पे महसूस कर रही हूं कि सबसे पहला जो आप लोगों के में होने वाला है वो है कि या तो कोई आपका एक्स आपको जो है स्टॉक करने वाला है या फिर आप अपने किसी एक्स को स्टॉक करने वाले हैं बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से और अगर आप लोग टोटली सिंगल है ना तो भी आप अपने हो सकता है कोई शादी शादी या किसी इवेंट में किसी इंसान से आप मिले और उसे वो इंसान ना आपको बहुत ज्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत हर हर जगह से स्टॉक करने की एनर्जी में रहे कोई तो है जो आपको यहाँ स्टॉक करने वाला है पहले इवेंट में और ये अपकमिंग सिक्स वीक्स यानी कि सिक्स वीक का मतलब हो गया डेढ़ महीना ठीक है तो अपकमिंग कमिंग वन एंड हाफ मंथ के अंदर अंदर कोई तो होने वाला है जो आपको बहुत स्ट्रांगली स्टॉक करेगा और आप उसकी एनर्जी में ना बहुत ज्यादा अपने आप को ट्रैप्ड फील करेंगे ना चाहते हुए भी आप उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं पाइल नंबर टू पीपल आप बहुत ज्यादा हैपनिंग बहुत ज्यादा होपफुल और बहुत ज्यादा पैशनेट महसूस करेंगे इनफैक्ट आप लोगों के जहन में ना एक ही चीज़ बार 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 लगातार होती रहेगी और वो होगी प्यार 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 ये लोग ये आदमी मुझसे क्या चाहता है ये मेरे बारे में क्या सोचती है आपके जहन में आपके दिमाग में सिर्फ यही सवाल जो है बार 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 गूंजने वाला है सो दिस विल बी अ फर्स्ट इवेंट दूसरा इवेंट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उस पर्सन के साथ में बहुत सारी भर भर के बातें होने वाली हैं ये भी अपकमिंग वन मंथ के अंदर अंदर हो सकता है वन टू वन एंड हाफ मंथ के अंदर अंदर कि कोई तो इंसान होगा जो कि जिसके साथ जो ये स्टॉक कर रहा होगा ना इसी पर्सन के साथ आप जो है बहुत भर भर के बातें करने वाले हो और ये जो बातें हैं ना वो कुछ इस लेवल तक की हो सकती हैं जहाँ पर थोड़ी सी यू नो इंटीमेसी इन्वॉल्व है एक दूसरे को किस करना हक करना कंसोल करना जो लोग मतलब चैट्स के ऊपर अपनी जो इजहार करते हैं ना इजहार मोहब्बत टाइप्स वो चीज़ें होंगी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जल्दी ये जो रिश्ता ना वो परवान चढ़े और बहुत नए सिरे से आप जो है नए तरीके से उनको प्यार जताएं वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार जताएं दिस विल बी अ सेकेंड इवेंट स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन तीसरी चीज़ है यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स दैट मीन्स इस पर्सन के साथ मिलना एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गिफ्ट्स तीसरा जो इवेंट होने वाला है आप लोगों की जिंदगी में ये होगा दो महीने के अंदर अंदर कि अपकमिंग टू मंथ के अंदर अंदर आप लोग इस पर्सन के साथ मिलेंगे बैठेंगे बात करेंगे बहुत सारा वाला इसके साथ एंजॉय करेंगे एंड यस गिफ्ट्स को बहुत सारा यू नो एक्सचेंज करने वाले हैं नाउ वट आर दी एनर्जीज ऑफ योर लव लाइफ लेट्स सी आप लोगों की लाइफ की जो है एनर्जीज़ क्या चल रही हैं सो वी हैव द वर्ल्ड और वी हैव दीलर्स ऑफ एजेस बॉटम ऑफ द डेक है ट्वेंटी फोर कार्ड नंबर पॉसिबिलिटी आई मस्ट से कि पायल नंबर टू पीपल आप लोगों के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपका बहुत गंदा वाला दिल तोड़ा है आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोला है आपको गलत समझा है उसकी वजह से समहा वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा यू नो तड़पी हुई एनर्जी में देखोगे और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खराब और परेशान वाली एनर्जी में आप जो है महसूस कर रहे हो बट जैसे जैसे ही ये इंसान आएगा, ये पर्सन है ना बहुत ज्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाले हैं और इनको देखते के साथ ना तो आपको कुछ डिफरेंट महसूस होगा कुछ ऐसा जैसा कभी आपने महसूस नहीं किया हो और जब ये पर्सन आएंगे ना आपकी जिंदगी में तो पहले पहला इवेंट डेढ़ महीने के अंदर अंदर यह आपको स्टॉक करेंगे आप इन्हें स्टॉक करोगे फिर डेढ़ महीने के अंदर अंदर ये आपसे बात करेंगे आप दोनों के बीच में कोजी बातें होंगी प्यार को लेके किस को लेके हक को लेके एक दूसरे को कंसोल करने को लेके एंड तीसरी सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है यानी कि आगे आने वाले दो महीने में थर्ड इवेंट होगा कि आप इस पर्सन के साथ में मिलोगे और जो है गिफ्ट्स को एक्सचेंज करोगे आप कुछ इनके लिए लेकर जाओगे ये कुछ आपके लिए लेकर जाएंगे ऐसा सी फर्स्ट इवेंट का जो आप लोगों के ऊपर एफर्ट है या इफ़ेक्ट है वो क्या पड़ेगा सेकेंड का क्या पड़ेगा और तीसरे का क्या पड़ेगा तो जब ये बंदा आपको स्टॉक करेगा ना या ये बंदी अगर आपको स्टॉक करेंगे तो आप थोड़ा सा ना हिचक जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा वाई क्यों कर रही है क्यों कर रहा है क्या चाहता है क्या चाहती है ये सब सोच बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ेंगे लेकिन इस चीज़ को आप साइड करेंगे फिर और इनसे बात करेंगे और जब आप बात करेंगे तो इसका इंपैक्ट ये पड़ सकता है कि आप अपने करियर के ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान दें इस चीज़ को प्लीज़ अपनी लाइफ की नेगेटिविटी ना बनाएं करियर पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा और तीसरा जैसे ही आप इस पर्सन से मिलेंगे ना तो अपने आप को उनके प्यार में और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा गिरफ्तार महसूस करेंगे ठीक है सो दिस इज वॉट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर एनर्जीज नाउ नॉलेट सी कि डिवाइन आपको क्या एडवाइस देना चाहती है यहाँ पर तो डिवाइन आपको देना चाहती है यहाँ पर एडवाइस वेट एंड रिकवरी आपको बोला जा रहा है कि अगर आप पास्ट के किसी नेगेटिव रिलेशनशिप से गुजरे हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि तुरंत से आप आ, जो है इस पर्सन के साथ आ जाए रिलेशनशिप में तो थोड़ा सा वेट करना एहतियात करना और फिर आगे बढ़ना क्योंकि किसी भी नए कमरे के अंदर नया फर्नीचर लगाने से पहले हमें पुराने फर्नीचर को निकाल के बाहर फेंकना जरूरी होता है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ठीक है तो पायल नंबर टू पीपल अगर आप लोगों ने क्लियर कोट्स को पिक किया था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग बहुत जल्दी ये सारे सिन, सिनारियों आपकी ज़िंदगी में आने को है इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें रोज आप लोगों को दस दस पेड जो है रीडिंग्स मिला करेंगे लव रीडिंग्स आप लोग क्या चाहते हैं नेक्स्ट टॉपिक मैं किस चीज़ के ऊपर करूँ मुझे ज़रूर बताइएगा और सभी लोगों को ढेर सारा वाला प्यार और शबक है जल्दी मिलेंगे गुड नाइट